हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। 2023 धनतेरस के दिन कर ले ये सरल उपाय, फिर धन रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, धनतेरस से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाएगी। धनतेरस के दिन कुछ सरल उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आज के उपाय, धनतेरस से जुड़े कुछ सरल उपाय। नंबर एक, अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर लाइए और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अब दीपावली के दिन शाम को पूजा के समय उस यंत्र की भी विधि पूर्वक पूजा कीजिए और मंत्र महारणव में दिए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम श्री ओम ह्रीम श्री ह्रीम क्लीम त्री क्लीम वित्राय नमः। नंबर दो, अगर आपके जीवन से खुशियां गायब हो गई हैं तो खुशियों को वापस लाने के लिए आज आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसके तने पर रोली से टीका करें। साथ ही हाथ जोड़कर अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर तीन, अगर आप रातों रात धनवान होना चाहते हैं अर्थात धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज शाम को पूजा के समय भगवान गणेश का अभिषेक कर उन्हें घी व गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगने के बाद भगवान गणेश के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गम गणपते नमः। आज ऐसा करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी, आप रातों रात धनवान बनेंगे। नंबर चार, आज शाम को पूजा के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कनक धारा स्रोत पड़ते हुए दूध की धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि कनक धारा स्रोत यदि न हो तो माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए लक्ष्मी मंत्र सामने लगाकर दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। नंबर पाँच, आज शाम के समय स्नान के बाद एक कांसे की थाली ले और उस पर चंदन से घिसकर ओम गण गणपताय नमः लिखे। लिखने के बाद इस थाली में 5 बूंदी के लड्डू रखे और पूजा के बाद इन लड्डुओं को किसी गणेश मंदिर में दे आए। आज ऐसा करने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। नंबर छः, इसके अलावा आज ही के दिन यम देवता के लिए दीप जलाना है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद घर के बाहर यम देवता के निमित्त तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और इसकी बाती का मुंह भी दक्षिण दिशा में करके रखना चाहिए। कहते हैं आज यम देवता के निमित्त दीपक जलाने से जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बल्कि जो भी परेशानियां होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज यम देव के निमित्त दीपक जरूर जलाना चाहिए। नंबर सात, धनतेरस के दिन आप एक बरगद का पत्ता लाकर उसे साफ कर लें, फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए मोड़कर उस पर मौली या कलावा बांधें और हल्के से चंदन की खुशबू लगाएं। फिर एक लाल रंग के कपड़े में कुछ सिक्कों और 5 कौड़ियों के साथ उसे बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दें। इससे एक तरफ जहां आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी तो दूसरी तरफ आपके बिजनेस की भी तरक्की होगी। फ्रेंड, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सबको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाले नए टिप्स वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए टिप्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।